Audio Jungle. Class 6. Today we will learn first chapter of standard 6. Food. Where does it come from? Food का मतलब होता है खाना और where does it come from का meaning होता है आखिर ये खाना आता कहाँ से है? तो ये chapter में first topic है food variety. हम तो जानते हैं हमारे इंडिया में कितनी सारी फूड की वैरायटी है. हम जैसे जैसे डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट स्टेट में मूव करते हैं वैसे वहाँ का फूड एकदम चेंज हो जाता है. काफ़ी सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है. अगर जैसे कि हम महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ की फेमस है पूरन पोली. जैसे हम बिहार में जाए तो बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा. जैसे हम साउथ में जाओ तो साउथ में इडली मेंदू वड़ा ये फेमस है. और वही हम कश्मीर में जाए तो रोगन जोश, बंगाल साइड जाए तो पपाया खार. तो जैसे जैसे हम डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट एरिया में मूव करते हैं वहाँ के फूड वेरिएशन फूड में काफी वेराइटीज देखने को मिलती है. अब ये जानने के लिए फूड वेराइटीज आपको समझने के लिए एक टेबल प्रिपेयर करना होगा. उस टेबल में क्या आप अपने क्लासमेट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका एक साइड नेम लिखिए और दूसरी साइड उन्होंने क्या क्या फूड खाया वो लिस्ट कीजिए. आपका फ्रेंड का नेम लिखिए उसके सामने उसने कौन सा फूड खाया वो लिखिए. तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं सबने अलग अलग खाया होगा. तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी कितनी सारी वैरायटीज इंडिया में फूड की है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सपोज नेम एंड फूड आइटम्स ईटन. हम हमारे क्लासमेट या किसी फ्रेंड का नेम लिखेंगे और उसने कौन सा फूड आइटम उस दिन खाया वो लिखेंगे. जैसे सपोज सलोनी ने क्या खाया वेजिटेबल करी खाई तो हम वेजिटेबल करी लिखेंगे. वैसे ही मेरे दूसरे फ्रेंड ने कुछ और खाया तो उसका नेम लिखेंगे और उसने क्या खाया वो लिखेंगे. जैसे मेरी दूसरी फ्रेंड ने खाया बिरयानी ऐसे ही हमको पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है अपने क्लासमेट्स की कि किसने कौन सा फूड कंज्यूम किया. वो टेबल प्रिपेयर करने से हमको ये पता चलेगा कि हमारे क्लास में सब लोग कैसा फूड कंज्यूम करते और कितनी ज्यादा वैरायटी है. तो आई होप आपको फूड वैरायटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्स. फूड मटेरियल्स यानी किसी पर्टिकुलर फूड को किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमको कौन से मटेरियल मटेरियल यानी कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है. जैसे कि फर्स्ट यहाँ देखिए सलोनी ने खाई है वेजिटेबल करी. तो वेजिटेबल करी प्रिपेयर करने के लिए हमको कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है. सबसे पहले वेजिटेबल करी प्रिपेयर करनी है हमको तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए वेजिटेबल चाहिए देन स्पाइसेस चाहिए देन ऑयल घी बटर ये सब चाहिए. तो आखिर ये सारी चीजें आती कहाँ से ये फूड्स जिससे प्रिपेयर होता है वो सारी मटेरियल कहाँ से आते तो वो देखते हैं हम. तो फर्स्ट था वेजिटेबल करी. वेजिटेबल करी प्रिपेयर करने के लिए हमको वेजिटेबल चाहिए फर्स्ट देन हमको चाहिए स्पाइसेस देन हमको चाहिए ऑयल घी. तो हमको वेजिटेबल करी बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स की यानी मटेरियल की यूज होती. लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से इनका मेन सोर्स क्या है कहीं आसमान से गिरते जमीन से उगते क्या है मेन सोर्स इनका क्या है. तो हमको वेजिटेबल कहाँ से मिलता है हमको नॉर्मली पता है. वेजिटेबल कहाँ से मिलता है हमको वेजिटेबल मिलता है प्लांट से. अब स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं स्पाइसेस यानी मसाले. मसाले हमको पता है
चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सब का क्या होता है, प्लांट होता है, इसके सीड्स में से, किसी के फ्रूट में से हमको क्या मिलते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले हमको मिलते हैं। तो स्पाइसेस किसका प्रोडक्ट हुआ, प्लांट प्रोडक्ट। हमको स्पाइसेस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। देन ऑयल, ऑयल हमको जनरली पता होगा, सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होते हैं। तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड सीड्स में से मस्टर्ड ऑयल निकलते हैं, और सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर के सीड में से निकलते हैं। और सीड कहाँ से मिलता है, सीड मिलता है हमको प्लांट से। और प्लांट क्या है, प्लांट क्या हमारा सोर्स ऑफ फूड है। तो हमको ऑयल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। देन घी, घी कहाँ से मिलता है, घी हम प्रिपेयर करते हैं मिल्क में से। और मिल्क कौन देता है, मिल्क देते हैं एनिमल। भले हम मिल्क एनिमल का लेते हैं, उससे घी प्रिपेयर करते हैं, मेन सोर्स ऑफ फूड यानी मिल्क कहाँ से आ रहा है, मिल्क आ रहा है एनिमल से। एनिमल से हमने मिल्क लिया, फिर उसका हम घी प्रिपेयर करेंगे, फिर हम यूज करेंगे। तो वो मिल्क आया कहाँ से है, एनिमल में से आया। तो इसका मेन सोर्स क्या है, घी का, एनिमल है। तो इससे हमको पता चला, वेजिटेबल करी प्रिपेयर करने के लिए हमको कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती, और वो मटेरियल्स का सोर्स क्या है। दो टाइप के, दो ही सोर्स है हमारे मटेरियल्स के, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका दो सोर्स है, एक तो प्लांट प्रोडक्ट, एक है एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट यानी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, जितने भी अर्थ में से ग्रो होते, क्रॉप्स ग्रो होते, ग्रेन हो, पल्सेस हो, कोई भी हो, वो कहाँ से मिलते, प्लांट में से मिलते। तो वो क्या हुए, प्लांट प्रोडक्ट हुआ। अब एनिमल प्रोडक्ट क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट यानी मीट, हैन का चिकन, एग, बटर, घी, ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये सब हमको मिलता है एनिमल से। तो ये सारे एनिमल प्रोडक्ट हुए। लेकिन जब पूछा जाए मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, मेन सोर्स ऑफ फूड हमारा प्लांट है। क्योंकि अगर प्लांट नहीं होगा तो एनिमल्स प्लांट कंज्यूम नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो फिर हमको एनिमल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। तो मेन सोर्स ऑफ फूड हमारा प्लांट है। प्लांट नहीं होगा तो हमको एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। सपोज अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन डिश भी कंज्यूम करते तो भी उसमें प्लांट प्रोडक्ट की यूज होती है, घी का यूज होता है, स्पाइसेस का यूज होता है। तो मेन हमारा फूड है, सोर्स ऑफ फूड है प्लांट। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, फूड मटेरियल्स कोई भी डिश के और सोर्स क्या है उसका। तो जैसे राइस है, सबसे इजी एग्जांपल है राइस। राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमको दो ही इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, राइस एंड वाटर, दो इंग्रेडिएंट। राइस कहाँ से मिलता है हमको, पैडी। जब भी आप कभी अपने विलेज गए हो तो आपने देखा होगा कि एकदम लाइन से क्रॉप्स उगे रहते हैं पैडी के, वहां से हमको पैडी ग्रेन मिलता है यानी राइस मिलता है। और उसको फिर वाटर के साथ हम कुक करते हैं और हमको राइस मिल जाता है। तो राइस भी किसका प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो, इसका जो पार्ट 2 है वो अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।